बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1TV के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं शहरयार अहमद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आजाद कश्मीर में एहतजाज के खात्मे के लिए वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला। मसाइल हल करने के लिए 23 सरा फौरी जारी करने की मंजूरी। आजाद कश्मीर हुकूमत को मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने की हदायत। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। सरकारी इमला का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एक्शन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। ऐलान नहीं, तहरीरी दस्तावेज चाहिए। एक्शन कमेटी की राय। पहले भी हुकूमतों ने वादे पूरे नहीं किए। तहरीरी यकीन दहानी तक एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। आज़ाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। शौरान में पुलिस और मुजाहरीन आमने सामने। PTI का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फ्रीकैन से सियासत के बजाय सब्र का मुजाहरा करने की अपील। लोग महंगाई से थक चुके। बैरिस्टर गौर ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पर तहफ्फुज़ात हैं। शहबाज शरीफ नून लीग की सदारत से मुस्तफ़ी। मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को लाहौर में तलब। नवाज शरीफ को कायम मकाम पार्टी सदर नामजद किया जाए। जनरल काउंसिल 28 मई को नवाज शरीफ को सदर बनाने की तौसीक करेगी। करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि ननकाना साहिब में थाना फैजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगर्म मोटरसाइकिल चोर और गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार हो गया। मुलजमान से 2 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की नकदी, चोरी शुदा एक मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना इंतजार और सलामत और शोबान शामिल। गैंग से मोटरसाइकिल चोरी के 4 मुकदमात का सुराग। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO साहिद अजीज की SHO फैजाबाद मसूद और हमारी टीम को शाबाश। ठोल के करीब मिर्जावाह के मकाम पर जाफरी कबाइल के 2 घरों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। घरों में मौजूद अनाज और दीगर तमाम घरेलू सामान जलकर खाकसर हो गया। खुले आसमान तले आने वाले ताज मोहम्मद जाफरी ने आला हुकाम से फौरी मदद की अपील की है। A1TV के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टेलीविजन। A1TV सब पे नजर, अंदर की खबर।